आज हम बनाने वाले हैं चार झटपट बनने वाली तीखी चटपटी चटनियाँ, जिसे आप चावल दाल के साथ भी सर्व कर सकते हो, पकौड़ियों के साथ, समोसे के साथ, सभी के साथ अच्छी जाएगी। और कुछ चटनियाँ तो हमारी सैंडविच और रोल्स के लिए बनाई है मैंने, यूज किए जा सकते हैं। और कुछ चटनियाँ जो रेस्टोरेंट में हमारी बनती है लाइट ग्रीन कलर की, वो चटनी है। और साथ में बनाएंगे टमाटर की चटनी और शिमला मिर्च की चटनी, दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए सबसे पहले रेस्टोरेंट स्टाइल पुदीने दही की चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक कप जो है धनिया लिया है और उसमें आधा कप पुदीना डालेंगे, थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 8 बड़े चम्मच इसमें दही जाएंगे। लेकिन पहले हम 2 बड़े चम्मच दही डाल करके और नींबू का रस डाल करके साथ में जाएगा इसमें जीरा, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। फिर बाद में बाकी के दही हम मिक्स करेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। हम एक साथ सारे दही को इसलिए नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगा। हमें दही यहाँ पे फेट करके ही डालना है। और ये देखिए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल जो लाइट ग्रीन वाली चटनी है वो बन के तैयार हो गई है। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं हम टमाटर की चटनी, टमाटर और धनिया की चटनी। तो इसके लिए हमने एक बड़ा टमाटर लिया है और फिर इसमें डालेंगे हम 1 कप करीब में हरा धनिया, और साथ में डालेंगे 3 से 4 लहसुन और 2 हरी मिर्च। नमक स्वादानुसार डालिए और साथ में डालेंगे काला नमक, और फिर इसे भी हम पीस करके, दरदरा पीस करके इसे तैयार कर लेंगे। और ये चटनी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे राइस दाल किसी के साथ भी खा सकते हो। अब बनाते हैं शिमला मिर्च और धनिया की चटनी। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप हरा धनिया और 1 कप कैप्सिकम, साथ में डालेंगे 3-4 लहसुन की कलियाँ, और साथ में डालेंगे हरी मिर्च, काला नमक, नमक स्वादानुसार और नींबू का रस। फिर इसे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च और धनिया की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो इसके बाद बनाते हैं सैंडविच और रोल्स के लिए चटनी, जिसे आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं और जो हम रोल्स बनाते हैं यानी तो फ्रैंकी, उसके लिए भी यूज़ में आती है। तो इसके लिए हमने 1 कप धनिया लिया है और 1/2 कप जो है पुदीना डालेंगे। फिर इसमें रोस्टेड मूंगफली, थोड़ा सा सेव डालेंगे, साथ में हरी मिर्च, अदरक और नींबू का रस, और साथ में 1 बड़ा चम्मच चीनी। अगर चीनी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको चीनी पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप करिए। ये देखिए हमारी सैंडविच और रोल्स में लगने वाली चटनी बनके तैयार हो गई है। ये हमारी सारी चटनियाँ बनके तैयार हो गई हैं, कोई इसमें से गाढ़ी है और कोई बहुत ही ज़्यादा पतली है, पर चारों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप एक बार इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।